दोस्तों अनुपमा टीवी सीरियल में अनुपमा का बदला हुआ रूप देखने को मिलने वाला है। पहले अनुपमा जिस पति को खुद से आगे रखती थी, अब वो उसी पति देव को पीछे छोड़कर अपने सपनों के लिए उड़ान भरेगी। इतना ही नहीं, वो अनुज से भी बदला लेगी। वो अनुज को भी उसी तरह के इंतजार करने पर मजबूर कर देगी जिस तरीके से उसने अनुज का इंतजार किया था। बीते एपिसोड में दिखाया गया था कि अनुज और गुरु माँ के बाद अनुपमा को बा का कॉल आता है और आज के एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होगी। बा अनुपमा को समर और डिम्पी की शादी के बाद पहली पूजा में आने के लिए कहेगी, हालांकि अनुपमा मना कर देगी। हमेशा की तरह इस बार भी बा अनुपमा को ताना मार देगी, लेकिन फिर इमोशनल हो जाएगी। अनुपमा बा को समझाएगी कि उसने वैसे ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत देर कर दी है, अब वो और देर नहीं कर सकती। बा को समझाने के बाद अनुपमा अपने अनुज को कॉल करती है। वो अनुज से साफ साफ कह देगी, सॉरी कल नहीं आ पाऊंगी, जैसे आपने उस दिन प्यार और फर्ज में फर्ज को चुना था, वैसे ही आज मैं प्यार और फर्ज में से फर्ज को चुनती हूँ, किसी और दिन मिलेंगे। अनुज अनुपमा की बात को समझ जाएगा। वो कहेगा, मैं समझता हूँ अनु, तुमने किसी और जन्म में मिलने के लिए कहा होता तब भी मैं इंतजार करता, किसी और दिन तो चलेगा। बा और अनुज से बात करने के बाद अनुपमा का मन हल्का हो जाएगा। वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन की तैयारी में जुट जाएगी। वहीं बा समर और डिम्पी की रात को खराब कर देगी। एक तरफ जहां समर और डिम्पी अपनी सुहागरात का सपना देख रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ बा समर और डिम्पी को एक साथ एक कमरे में नहीं सोने देगी। बा कहेगी कि आज का मुहूर्त सही नहीं है, इसीलिए तुम दोनों एक साथ एक कमरे में नहीं सो सकते। बा की ये बातें सुनकर डिम्पी भड़क जाएगी। वो समर की वजह से बा के साथ उसके कमरे में चली जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुड़कती रहेगी। इतना ही नहीं, किंजल को भी वो मुंह तोड़ जवाब दे देगी। वहीं अनुज अनुपमा को मिस कर रहा है और उसके अमेरिका जाने से पहले उससे मिलना चाहता है। जब अनुज अनुपमा से मिलने के लिए पूछेगा तो वो मिलने के लिए तैयार हो जाएगी और दोनों शर्मा जाएंगे। वहीं गुरु माँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जहाँ वो अनुपमा को अपना उत्तराधिकारी चुनती है। ऐसे में मीडिया वाले अनुपमा से पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तब अनुपमा कहती है, जैसे माँ बनने की खुशी होती है, मुझे उतना अच्छा लग रहा है। इतने में दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुज की भी एंट्री हो जाएगी और गुरुमा और अनुज के बीच अब तकरार देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि गुरुमा और अनुज का कोई बड़ा विवाद है जिसका खुलासा आगे टीवी सीरियल में होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।